तो हम फोर क्लास का अब दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। पहला हो गया था, उसका जो क्वेश्चन है वो हम बाद में भेज देंगे। तब तक दूसरा को हम रीडिंग करवा देते हैं और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। इसको और अच्छे से घर पर पढ़ना है और पढ़कर इसको समझने की कोशिश करना है। इस पाठ का नाम है हाथी का सूंड, द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। हाथी का सूंड, इस पाठ दूसरा पाठ है, शुरू होता है गॉड हैज मेड दिस वर्ल्ड। भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, इस विश्व को बनाया है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाया है। मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो मनुष्य हैं वो सबसे बुद्धिमान जंतु, यानी क्रिएचर मतलब होते हैं जंतु, जीव जंतु मतलब सबसे अच्छा जो जीव भगवान बनाए हैं वो मनुष्य को बनाए हैं। इसके बाद देयर आर ट्रीज विथ टेस्टी एंड डिलीशियस फ्रूट, और उन्होंने पेड़ बनाए हैं और पेड़ के साथ साथ टेस्टी स्वादिष्ट फ्रूट यानी कि फल वगैरह भी बनाए हैं भगवान। इसके बाद बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई हाई इन द स्काई। इसके बाद पक्षियों को जो हैं, जो पक्षी हैं, पक्षियों को विंग्स बनाए हैं, पंख बनाए हैं ताकि वो आकाश में ऊँचे उड़ान भर सकें, ऊँची ऊँचा ऊँचा उड़ सकें। उसके लिए भगवान ने उनके विंग बनाए हैं, विंग्स यानी पंखे बनाए हैं। फ्लावर्स आर ब्राइट कलरफुल एंड सेंटेड। इसके बाद फूल बनाए हैं, चमकीले फूल बनाए हैं, कलरफुल बनाए हैं, रंगीन रंगीन टाइप के बनाए हैं और सुगंधित बनाए हैं, है ना। फूल को भी इन्होंने बहुत अच्छे से चमकीला, कलरफुल और सुगंधित बनाए हैं। एनिमल्स हैव फोर लेग्स टू वॉक, जानवरों को चार पैर बनाए हैं जिससे वो टहलते हैं, चलते हैं। दे आर हैव ऑल्सो टेल, और उन लोग एक पूंछ भी हैं। द बिगिनिंग एनिमल्स वेयर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मैन। बिगिनिंग यानी कि शुरू के समय में जानवर जो हैं वो मनुष्य से अलग नहीं था, मनुष्य और जानवर एक समान ही थे। दे वेयर ऑल्सो विदाउट टेल, मनुष्य में ही अंतर था कि वो क्या थे, बिना पूंछ के थे। विदाउट टेल यानी बिना पूंछ के थे वो लोग, जानवर में पूंछ थी। गॉड ऑलवेज एडेड समथिंग टू मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल। गॉड, भगवान हमेशा कुछ अलग जोड़कर इस दुनिया को और सुंदर बनाते हैं। बहुत सुंदर बनाने के लिए कुछ कुछ जो है भगवान हमेशा के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इसमें जोड़ते रहते इस दुनिया में। ही थॉट टू प्रोवाइड टेल टू ऑल एनिमल्स, उसने सोचा, भगवान ने सोचे प्रोवाइड टेल टू ऑल एनिमल्स, कि सभी जानवरों को मैं एक पूंछ दे दूँ, यानी पूंछ दे दूँ, प्रोवाइड करवा दूँ, यानी पूंछ सबको दे दूँ, जितना भी जानवर है इस धरती पर। ही मेड अ लॉट ऑफ टेल, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे टेल बनाए, बहुत सारे पूंछ को बनाए भगवान ने। सम वेयर स्मॉल, कुछ छोटा बनाए, सम वेयर बिग, कुछ बड़ा बनाए, सम वेयर कर्ली, कुछ घुरराले बनाए, यानी पूंछ भी बहुत तरह तरह के भगवान बनाए। सम वेयर स्ट्रेंथ, कुछ पूंछ को सीधा बना दिए, एकदम सीधा पूंछ। और सम वेयर बुशी, कुछ ऐसे पूंछ बना दिए जो बुशी यानी कि ब्रश टाइप का हो गया, मतलब जैसे घोड़ा वोड़ा का हो गया, ब्रश टाइप का रहता है, तो इस टाइप का बनाया। द मंकी इज़ ए वाइज एनिमल, अब ये बानर जो हैं वो बुद्धिमान जंतु के बराबर हैं, यानी बुद्धिमान जंतु के श्रेणी में आता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक विश्वासी जानवर है। डॉग कॉल्ड एंड ऑन द मंकी एंड द डॉग्स, अब देखो गॉड जो है भगवान बंदर और कुत्ते को पुकारे हैं, यानी उसका नाम दिए हैं। ही सैड आई हैव मेड टेल्स फॉर ऑल एनिमल्स, उसने कहा कि मैं सभी को पूछ जानवरों के लिए सबको पूछ दिया हूँ, है ना, हर जानवरों को मैं पूछ दिया हूँ। यू विल डिस्ट्रीब्यूट दिस टेल्स एमोंग देम, तुम इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, मतलब अलग अलग जो भगवान है पूंछ बना बना कर इसका पूंछ जो है वो दे दिए हैं और कह रहे हैं कि तुम सब एक दूसरे में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, बांट लेना, जिसको जैसा चाहिए पूंछ अपना ले लेना। बोथ कलेक्टेड द टेल्स एंड वेंट अवे फ्रॉम दियर हैप्पीली, अब दोनों कलेक्ट करके और पूंछ क्या किए उनको दे दिए और वे वहाँ से खुशीपूर्वक चले गए, भगवान चले गए इन सबको देखकर। अब इस पैट में आते हैं, ऑल एनिमल्स गैदरिंग इन अ बिग फील्ड टू
गेट टेल। अब देखो सभी जानवर जो हैं एक बड़े मैदान में फील्ड में इकट्ठा हुए पूंछ लेने के लिए, अपना अपना पूंछ लेने के लिए सब एक फील्ड में इकट्ठा हुए। द डॉग चूज अ कुरली, कुरली यानी कुरली, जो डॉग जो है वो अपना कुरली यानी कि घुरराले टाइप के पूंछ अपना वो सिलेक्ट करता है, चॉइस करता है, चूज करता है, चुनता है उसको। एंड ब्रूसी टेल फॉर हिमसेल्फ, और ब्रूसी यानी ब्रश टाइप के जो पूछ है वो अपने लिए पसंद करता है। द मंकी टूक ए लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल टेल। मंकी जो है, मंकी वो देख रहे हैं सबसे लंबा पूछ कौन है और सुंदर कौन है। बोथ स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग टेल, जो जो वहाँ पर बांटे जा रहा था पूछ, उसमें से वो दोनों देख रहा था कि कौन लंबा है, लंबा भी और सुंदर दोनों उसको चाहिए था, इसलिए ऐसा बंदी मौकी जो है देख रहा था। द चॉइस कम फॉर द एलिफेंट, वो अपना चॉइस के लिए हाथी के पास आया। बोथ सा दिस ह्यूज एनिमल, दोनों विशाल, दोनों उस विशाल एनिमल को, उसने उस विशाल एनिमल को देखा, उस जानवर को देखा, इस विशाल जानवर को दोनों देखा। द मंकी विस्पेयर्ड समथिंग टू द डॉग। मंकी सोचा, मंकी जो है फुसफुसाया कुछ बात, जो डॉग था उसके साथ में, उसके कान में कुछ फुसफुसाया मंकी। बोथ स्माइल्ड फॉर ए वाइल, दोनों मुस्कुराए, मंकी या जो डॉग थे एक दूसरे में फुसफुसाया, मंकी जो है डॉग के कान में कुछ फुसफुसाया, कुछ कहा, और कहकर दोनों मुस्कुराने लगे। जबकि द डॉग ब्राउट अ स्मॉल टेल, जबकि कुत्ता के पास एक एक छोटा पूंछ है। द मंकी स्ट्रोक इट टू द बैक ऑफ एलिफेंट, इसके बाद मंकी जो है वो मंकी जो है हाथी के पीछे मतलब देख करो मतलब चुभ रहा था उसे, मतलब स्ट्रोक मतलब चुभना, मतलब उसके पीछे जो देख रहा था ना, तो उसके कुछ अजीब टाइप का चुभ रहा था मन में। द एलिफेंट सा हिज टेल, जब हाथी है वो अपना जब पूछ देखा, ही बिकम वेरी सैड, तो वो बहुत दुखी हो गया, हाथी बहुत दुखी हो गया। ही सेट इन ए कॉर्नर, वो जाकर एगो कॉर्नर में सेट हो गया, यानी कि किसी कोने में जाकर हाथी अपना खड़ा हो गया दुखी होकर। गॉड केम टू सी ऑल एनिमल्स, भगवान सभी जानवरों को आते, सभी जानवरों को आते देखे। वेन गॉड मेट द एलिफेंट, जब भगवान सभी जानवर से मतलब मिले, भगवान आए और आने के बाद सभी जानवर को देखे, और आने के बाद जब वो हाथी से मिलने गए। वेन गॉड मेट द एलिफेंट, जब भगवान हाथी से मिलने गए, ही स्टार्टेड वीपिंग, तो वह रोने लगा। गॉड आस्क्ड, हाथी क्या हुआ, रोने लगा, और गॉड से पूछा वाई आर यू वीपिंग, गॉड उनसे पूछे वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रहे हो, बोले भगवान हाथी से। द एलिफेंट सेड, हाथी ने कहा, आई एम सो बिग एंड माई टेल इज सो स्मॉल, हाथी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा और मेरा पूंछ जो है बहुत छोटा है। ऑल एनिमल्स लॉफ एट मी, सभी जानवर जो है मुझ पर हंसते हैं, हंस रहे हैं। प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मुझे सहायता कीजिए, हाथी जो है भगवान से कह रहा है। गॉड थॉट फॉर ए मोमेंट, भगवान जो है एक विचार किए, एक अनुभव के लिए सोचे। ही टच्ड द एलिफेंट विथ लव, और प्यार से उस हाथी को टच किए यानी पकड़े, छुए। ही टच्ड द नोज ऑफ द एलिफेंट, भगवान ने हाथी के नोज यानी नाक को पकड़े, अब पकड़ कर ही पुल्ड एंड पुल एंड पुल एंड द नोज एंड पुल एंड पुल एंड पुल एंड द नोज, इसमें क्या किया, हाथी का सूंड पकड़ कर खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते खींचते क्या हुआ, द नोज ग्रीव लॉन्ग एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर, इसके बाद क्या हुआ, हाथी का नाक ग्रीव मतलब बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया,
अर्थात नाक, हाथी का नाक क्या हो गया, पूरा लंबा हो गया। गॉड सेड, तो भगवान ने कहा, सी यू हैव वन मोर टेल, अब देखो तुम्हारे टेल से लंबा तुम्हारा नाक हो गया है। डोंट वरी, चिंता मत करो, वी हैप्पी, खुश रहो। भगवान बोले, द एलिफेंट सा हिज बिग नोज एंड बिकम वेरी हैप्पी। जब हाथी अपना अपना नाक, बड़ा नाक देखा तो क्या हो गया, खुश हो गया। और खुश होकर ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज ट्रेंट। इसके बाद हाथी जो है भगवान को धन्यवाद किया। क्या किया कि भगवान आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नाक बड़ा करने के लिए। अर्थात उसी समय से इसका सूंड क्या हो गया, लंबा हो गया। तो सबको भगवान जैसे जिसको जैसा पूंछ चाहिए वो पूंछ ला कर रख दिए थे। ये लोग अपने अपने मन से सेलेक्ट कर लिए। हाथी का पूंछ छोटा था और सूंड भी उस समय छोटा था, तो भगवान ही खींच कर उसे लंबा किए हैं, तब हाथी का सूंड लंबा हुआ है। तो हम ये कहानी पढ़ चुके हैं, कहानी से जो हमें सीख मिली है उसे हम जान चुके हैं। अब जो हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे उसमें अपने शब्दों में ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हम कहानी का टोटल सार जो है पढ़ा दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।